हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज है। आप सभी का स्वागत है नॉलेज थेरेपी में। तो गाइस, ये पहला पार्ट है। तो इस सीरीज़ के अंदर ये प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं पूरी। पता नहीं कितनी भी वीडियो बन सकती हैं। तो इसके अंदर मैं सभी को कंप्यूटर बेसिक सिखाऊंगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जिसकी भी लगभग इच्छा होती है कि यार कंप्यूटर कैसे काम करता है। कि अभी देखो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो सभी के ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार कंप्यूटर पे काम कैसे करते हैं। क्योंकि जो बच्चे, उनकी दिक्कत यह आ रखी है कि वो क्लासेस वगैरह कैसे लें या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैसे सीखें। और जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रखी है वो ये है कि मतलब बुज़ुर्ग का कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि वो 60 से ऊपर का, मतलब जो भी लोग हैं जो 40-45 साल के, जिसके टाइम पे कंप्यूटर नहीं था उनके बचपन में, उनके स्कूल के टाइम पे, तो उनके काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रखी है कि कंप्यूटर पे काम कैसे करें, कैसे हम ऑफिस का काम करें, किस तरह से क्या क्या बटन से क्या होता है, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है। तो ये सिचुएशन है। और जिस हिसाब से पेंडेमिक के अंदर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आगे जाकर ये सब चीज़ें वर्क फ्रॉम होम होने वाली हैं। मतलब कुछ जॉब्स ऐसी होगी जो कि वर्क फ्रॉम होम होंगी। अगर अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है तो आपको ऐसी तकलीफ नहीं होगी। तो इसके अंदर पूरी सीरीज होगी, कोई भी सीख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इंस्टाग्राम पे भी है, तो इंस्टाग्राम पे थेरेपी है नॉलेज के नाम से मेरा है, उस पर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मतलब इंस्टाग्राम पे आपको IGTV में मिलेंगी सारी सीरीज़। और अगर आप यूट्यूब पे कंफर्टेबल हैं तो यूट्यूब पे नॉलेज थेरेपी के नाम से चैनल है। पहले से मैंने 126-127 वीडियोज डाल रखी हैं, तो वो अलग तरीके की है, कंप्यूटर की अभी से स्टार्ट हो रखी है। तो आप इसको ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना फर्दर कोई भी अपडेट्स के लिए, फर्दर कोई भी वीडियो के लिए। चलो हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखो सीधी सी बात है कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपके कीबोर्ड के जस्ट ऊपर एक बटन आएगा जिससे लैपटॉप स्टार्ट होता है। और जब आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो आपके CPU के अंदर एक बटन होता है मेन सा, जिसपे पावर का साइन होता है, तो उससे आप स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे आप स्टार्ट करोगे तो ये आपके पास स्क्रीन आएगी, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे आपको बताइए, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। ये सब इनको अपने से एप्लीकेशन बोलते हैं इनको, और आप आइकन भी बोल सकते हो, बेसिकली आइकन होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ताकि सभी चीज़ें ठीक हो जाए, मतलब सभी चीज़ें चेक कर लें एकदम से। मतलब क्या बोलते हैं इसको, अरेंज वगैरह करना होगा, फिर कोई भी चीज़ हम तो रिफ्रेश होता है, तो ये आप बढ़िया ढंग से इससे हो जाता है। तो सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आप राइट क्लिक करना है और आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है ताकि सब चीज़ें तो ढंग से काम करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखो हम पहले वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है और बंद कैसे करना है। तो आपने स्टार्ट कर लिया इसको, अब इसके अंदर आप जब स्टार्ट मेन्यू जाओगे, ये Windows 10 है मेरे पास, तो जिनके पास Windows 10 उनके लिए बहुत आसान होगा। और वैसे आपके पास Windows 10 भी नहीं है तो स्टार्ट बटन यहीं पर आता है, वो अलग लोगो बना होता है उसका। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो ये पावर का ऑप्शन आता है, उसमें शटडाउन का ऑप्शन आता है, और उसकी साइड में एक एरो आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका सी ऑप्शन आता है, इसमें स्लीप शटडाउन रिस्टार्ट। अब स्लीप का मतलब ये होता है कि अगर आप मानो कुछ फाइल्स आपने कर रखी है और आपको, या फिर खाना खाने जाना हो, या फिर आप सोच रहे हो कि यार इसको 1 घंटे या 1.5 घंटे का ब्रेक ले रहा हूँ, 15 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, स्लीप पे आप क्लिक कीजिए। स्लीप पे क्लिक होने से क्या होगा, जैसे आप स्लीप पे क्लिक करेंगे फ़ोन, मतलब ये जो लैपटॉप है, PC है, वो बंद हो जाएगा, उसकी स्क्रीन बंद हो जाएगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, जो अभी आपके फंक्शन है, जो भी आप प्रोसेस बीच में कर रहे हैं, जैसे मैंने फायरफॉक्स ऑन कर रखा है, ये फाइल एक्सप्लोरर, ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको, जैसे लैपटॉप में क्या होता है, आप जो स्क्रीन लीड होती है उसको आप बंद कर देंगे तो वो स्लीप मोड में ऑटोमेटिकली चला जाता है, कंप्यूटर बंद नहीं होता है। और PC के अंदर आप इसको स्लीप मोड में डालोगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी और वो ब्लिंक करने लग जाएगी, उसका जो लाइट होती है मॉनिटर की। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस पीछे चल रही होती है और कंप्यूटर शटडाउन, मतलब ज़्यादा पावर नहीं लेता, पावर लेता है लेकिन वो बहुत ही हल्की लेता है, और पीछे प्रोसेस चलती रहती है तो कंप्यूटर ऑन नहीं दिखाई देता है, वैसा लगता है। शटडाउन के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर प्रॉपरली शटडाउन हो जाता है, इस पर आप क्लिक करते हैं, कंप्यूटर 5 सेकेंड लेगा, 10 सेकेंड लेगा और बंद हो जाएगा, उसके बाद में आप उसको बंद कर सकते हैं। रिस्टार्ट होता है, तो रिस्टार्ट के अंदर क्या होता है कि अगर मानो आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ में लैग फील हो रहा है, मतलब आपको ऐसे हल्का सा रुकावट सी फील हो रही है, तो आप इसको रिस्टार्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर फिर से ऑन हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि कंप्यूटर फिर से ऑन होगा तो आपका सारे प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे एकदम। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जो बैकग्राउंड में काम चल रहा था वो आपको मिले, वो सिर्फ स्लीप मोड में आपको ऑन मिलेगा, शटडाउन में बंद हो जाएगा, रिस्टार्ट में भी वो बंद हो जाएगा। तो ये है, तो आपको जब भी आपको शटडाउन करना हो तो आपको
इस पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये आज के लिए ये इतनी वीडियो थी। पहला पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वीडियोस और मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और इस पे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो। दोस्तों ये फ्री सीरीज़ रहने वाली है, इसमें करीबन 20-25 वीडियो जाएंगे और हर दिन आएंगे, लगातार आएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो सही है, आप इस पर कर लीजिए, और इस पर एड्स वगैरह भी नहीं आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप इसको एकदम इजीली देख सकते हैं, विदाउट एनी एड्स, विदाउट एनी इंटरप्शन, आप पूरी वे सीरीज देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।